नमस्कार। आज हम बात करेंगे रंगों का क्या महत्व और प्रभाव है हमारे जीवन में वास्तु की दृष्टि से। देखा जाए तो हमारा जीवन रंगों से ही तो आंदोलित होता है। डॉक्टर खुशदीप बंसल, जो कि महावास्तु के फाउंडर है, उन्होंने अपने 30 साल की रिसर्च में पाया कि कई घर जो वास्तु के अनुरूप तो सही बने हुए थे, पर वहाँ विभिन्न दिशाओं में विभिन्न रंगों के होने की वजह से लोगों के जीवन में समस्याएं आ रही थी। इस बात को बेस से जानने के लिए मैं आपको बात बताती हूँ। देखिए, आप सभी जानते हैं पंच तत्वों से ये समस्त सृष्टि बनी है। इन्हीं पंच तत्वों से मैं बनी हूँ, आप बने हैं और ये हमारा भवन भी बना है। ये पंच तत्व को रिप्रेजेंट करता है ये रंग, जैसे लाल रंग अग्नि तत्व, नीला रंग जल तत्व, सफेद रंग आकाश तत्व, हरा रंग वायु तत्व, पीला रंग पृथ्वी तत्व। ये तो आपने जान लिया कि कौन से तत्व का कौन सा रंग होता है। जल्दी से चेक माई वास्तु ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहाँ पे एक ऐसा शक्ति चक्र दिखेगा आपके मोबाइल की स्क्रीन पे। इस शक्ति चक्र में आप एकदम अच्छे से देख सकते हैं कि कौन सा रंग कौन सी दिशा को रिप्रेजेंट कर रहा है। हर दिशा का अपना एक तत्व होता है और वो फिक्स्ड है। देखिए, उत्तर की दिशा, जिसका काम है हमारे जीवन में ग्रोथ देना, हमारे स्वास्थ्य को सही रखना। क्लियरिटी ऑफ माइंड भी उत्तर की दिशा से ही आती है। यदि वहाँ किसी भी फॉर्म में लाल रंग, जो कि अग्नि तत्व को रिप्रेजेंट करती है, आ जाता है तो देखा गया है, अक्सर देखा गया है कि जीवन में ग्रोथ से संबंधित, स्वास्थ्य से संबंधित, क्लैरिटी ऑफ माइंड से संबंधित समस्याएं पाई गई है। इसी तरीके से यदि अगर हम बात करें पूर्व की दिशा, पूर्व की दिशा हमारे जीवन में क्या देती है? हमारे जीवन में फन देता है, रिक्रिएशन देता है, हमें समाज से जोड़ता है। यदि वहाँ किसी भी फॉर्म में सफ़ेद रंग यानी स्पेस एलिमेंट आ जाए तो देखा गया है कि ये समस्या वो उस दिशा के एट्रीब्यूट को हैम्पर कर रहा है। इस तरीके से दक्षिण की दिशा का काम है फायर एलिमेंट, ये हमें जीवन में नाम देता है, ये हमें जीवन में कैश फ्लो देता है। दक्षिण की दिशा से ही आत्मविश्वास मनोबल बढ़ता है। यदि उस दिशा में किसी भी फॉर्म में काला या ग्रे कलर होगा या नीला रंग होगा तो ये सारे जीवन में इन सब बातों को लेके समस्या आ रही होगी। तो जल्दी से आप भी चेक माई वास्तु ऐप डाउनलोड कीजिए और चेक कीजिए कि आपको जीवन में किस संदर्भ में समस्या आ रही है और देखिए कि वहाँ पे कौन सा रंग मौजूद है। सिंपल सा, यदि कोई एंटी कलर है तो उस रंग को वहाँ से रिमूव कर दीजिए और वहाँ के जोनल कलर का प्रयोग कर लीजिए। अब आप पूछेंगे कि क्या हमको पूरा घर मल्टी कलर बना देना है? तो बिल्कुल भी नहीं। एक रंग होता है आइवरी, जिसको हम ऑफ वाइट या क्रीम कलर के नाम से भी जानते हैं। इस रंग का किसी भी दिशा पे कोई दुष्प्रभाव नहीं होता। तो आप अपने घरों को पूरे चारों तरफ ये रंग का प्रयोग कर सकते हैं। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से कुछ लाभ मिला होगा और यदि आप हमसे किसी भी समस्या का समाधान लेना चाहते हैं तो मैं और मेरे जैसे कई 100 ट्रेनर देश भर में हर हफ्ते 4 घंटे योगदान देते हैं, फ्री एडवाइस देते हैं। mvtrainer.net पे जाके आप अपने लिए योगदान बुक कर सकते हैं। धन्यवाद।